थोड़ा तो सोचो, मम्मी आईसीयू में ऑपरेशन होना, उनको मुझे नहीं पता, कहीं से भी पैसे लेकर आ। समझ में नहीं आ रही क्या तुझे? तू मेरी लड़की है, ये ऐसी होती है लड़की? तू क्या कर रही है? फेक नहीं अच्छा कह रही है कि मेरी माँ आईसीयू में मरने वाली है, तेरी माँ तो यहाँ पे जिंदा खड़ी है। मेरे लिए से तुम मर गई। कोई तेरी माँ कैसे सोचा मेरी लड़की घर से बाहर भी जाती? मेरे ऊपर मत चिल्लाओ पहले तो, ठीक है ना? क्या चिल्लाऊ ना चिल्लाऊ, आप उससे पूछ लो जाके। मेरी लड़की है ना, घर से बाहर भी नहीं निकलती। आ गए मेरे से, समझ आई? मेरी लड़की ना तो कहीं बाहर जाती है ना कुछ खाने का भी, हो वो भी मेरे से मंगाती है सब कुछ मेरे से कहती है। आप उसे बुला के पूछ लो। क्या बुला के पूछ लो? हाँ मेरे को पता है ना, मेरी लड़की तो बाहर जाती नहीं, तो बॉयफ्रेंड कहाँ से बना लेगी वो? ऐसा दो साल से हुआ रिलेशन में, सोच कैसे लिया? सोच कैसे लिया? गिरबान से हाथ हटाओ पहले। क्या गिरबान से हटाऊ? तूने मेरी लड़की के बारे में कहा कैसे? अरे आंटी आप बड़े हो, रहने दो। मेरी लड़की के बारे में कहा कैसे? पता नहीं। कैमरा स्टार्ट करियो, कैमरा स्टार्ट कर। हाथ मत चलाओ, क्या हाथ मत चलाओ? मेरी लड़की की बोली है। क्या रखे हो क्या भैया? मेरी लड़की के लिए बोलेगी, बोलेगा तो मैं बोलूंगी। लड़ने के लिए आ रखे हो क्या? क्या लड़ने के लिए आ रही हूं? उसे बात करने नहीं आती क्या? मेरी लड़की के बारे में बोलेगा मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। तो झूठ बोल रहा है क्या वो? झूठ नहीं बोल रहा। फोन में वीडियो दिखाऊंगा उसकी, बकवास कर रहे हो यहां पे। यकीन ही नहीं है मेरे को, ऐसी वीडियो दिखा दूंगा ना आपकी आंखें यहाँ पे, शर्म के बाल ने नीचे गिर जाओगे। मेरी लड़की घर से बाहर ही नहीं जाती तो मैं जा कैसे कह दूं? वहाँ पे पहले बैठ के बात करो, ज्यादा ना वहाँ पे बातें मत करो। मैं सही कह रही हूं। बेटी की, ओ आपकी बेटी, फोन निकालियो अपना एक बारी, दिखाऊं वीडियो? घर से बाहर वीडियो दिखाऊं? माँ हो ना इसलिए नहीं दिखा रहा, देख लोगे ना यहाँ पे शर्म के मारे ना मर जाओगे, पता आपको? मैं यकीन ही नहीं कर सकती मेरी लड़की घर से बाहर ही नहीं जाती तो मैं कैसे कह दूं? वीडियो निकाल के दे। कैसे मान लूं कि हाँ ये मेरी लड़की के लिए बोल रहा है इतना गंदा? वीडियो निकाल के दे। आज तक मेरी घर लड़की घर से बाहर ही नहीं निकलती बिल्कुल भाई। कैमरा स्टार्ट है ना, इस फोन में एक ऐसी वीडियो है ना इनकी बेटी की, अगर मैं इनको दिखाऊंगा ना तो यहाँ पे खड़ी नहीं होंगी, मर जाएंगी खड़े खड़े। और इनको मैं बोल भी रहा हूँ कि आपको नहीं दिखाऊंगा ये वीडियो, मैंने सिर्फ इसलिए रखवाई है इसके पास कि इसके पास प्रूफ होना चाहिए कि इसकी इनकी बेटी ने इसके साथ क्या हाल कर रखा है। आपको समझ नहीं आ रहा? दिखाऊं वीडियो? मर जाओगे, बैठ जाओ यहाँ पे। बैठ गई ये लो, मैं जब मार कर रहे हो, मारपीट करने के लिए आ रखे हो क्या यहाँ पे? मेरी बेटी को मारपीट करने के लिए आ रखे हो क्या? ये इज्जतदार लड़का है जो आपकी ये वीडियो को इधर उधर नहीं कर रहा। कोई और लड़का होता ना अब तक आपसे पैसे वैसे लेके इधर उधर हो जाता, और पागलों की तरह बहन जो पैसे देने लग रहा है आपकी बेटी को। दिखाओ मेरे को वीडियो, मेरे को यकीन नहीं है। शर्म नहीं आती? मैं एक बात बताओ, वीडियो बेटी की वीडियो देख पाओगे? कितने बेशरम किस्म के इंसान हो यार। आपको अगर मैं समझा, मैं को यकीन ही नहीं है कि मेरी बेटी जब जाती नहीं घर से बाहर, वो घर से बाहर ही नहीं निकलती। तो जब यहाँ पे आपको बुलाया तो आपकी बेटी को भी यहाँ पे बुलाएंगे ना, थोड़ा सबर करो। उसको मारते जा रहे हो, शर्म नहीं आती क्या? दूसरों के बेटों के ऊपर आराम से हाथ उठा लेते हो, कोई भी अपने बेटे के ऊपर कोई हाथ उठाएगा बेटी के ऊपर तो बकवास करने लग जाते हो। मेरी बेटी है तो मैं तो घर से बाहर नहीं निकलेगी तो मैं यकीन कैसे करूंगी? अपनी बेटी का नाम सुनने में दिक्कत हो रही है और दूसरे के बेटे को यहाँ पे थप्पड़ मार लो। आपकी लड़की है उसको मारियो थप्पड़, देखियो कैसे आ जाएंगी कंस की तरह। बुलाओ उसे, बकवास कर रही है यहाँ पे, सच पता चल स्टार्ट है ना। हाँ जी भाई, क्या हाल चाल आप सभी के? होप हो गए सारे बढ़िया। भाई हम आ चुके हैं और एक बारी हेल्पिंग वीडियो के साथ। भाई क्या नाम है तुम्हारा? रिदम। रिदम की भाई क्या प्रॉब्लम निकल के सामने आई है मैं आपको बता देता हूँ। ये जो है ना लड़की, इनका आंटी को हमने इसलिए बुला रखा है यहाँ पे, इनकी जो बेटी है ना वो जो है रिदम की गर्लफ्रेंड है, और लगभग 2-1.5 साल से गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला सीन चल रहा है इनका। और लास्ट में 2 महीने से लड़की ने ये बोल रखा है कि मेरी माँ को भाई कोई ऐसी बीमारी हुई पड़ी है जिसमें हर हफ्ते पैसे लग रहे हैं 15,000 से 20,000 रुपये, और दवाइयाँ आ रही हैं, और 1 महीने तक तो घर से दवाइयाँ चल रही थी, डॉक्टर घर पर आके देख के जा रहा था। अब कंडीशन इतनी ख़राब हो रखी है कि मम्मी जो है ना ऑपरेशन होने वाला है उनका, और उसके लिए चाहिए पैसे। भाई साहब ने जो है ना 60-75 हज़ार रुपये इधर उधर से जुगाड़ करके हफ्ते में कभी 10,000-15,000 रुपये घर को रा के दे दिए। अब जो है लड़की की डिमांड आ रखी है 40,000 रुपये की, कि 40,000 रुपये दो वहाँ पे आईसीयू में जो है 40,000 रुपये दे के फिर मेरी मम्मी का ऑपरेशन होगा। और मम्मी यहाँ पे जिंदा बैठी हुई है, खुद सांस ले रही हैं, खुद हाथ चला रही हैं इसको मारने के लिए, और सारे काम कर रही हैं, और बोलने के लिए माँ जो है ना आईसीयू में बैठी हुई है। ये मैडम आपका आईसीयू है? नहीं भैया मैं तो नहीं, एक बात बताओ आप, एक बात बताओ आप जो अपनी औलाद के ऊपर इतना घमंड दिखा रहे हो कि मेरी औलाद ऐसी नहीं, मेरी औलाद वैसी नहीं, मेरी लड़की है नहीं, मेरी लड़की वो नहीं, वो आपकी लड़की, ऐसे कैसे बोल सकती है कि आईसीयू में हो आप? मैं जब कैसे बोल सकती है? मैं यकीन, अरे मैडम हम थोड़ी ना बोल रहे कि आप आईसीयू में, आपकी बेटी कैसे बोल रही है कि आप आईसीयू में हो? तो मेरे को यकीन दिलाओ ना। तो यकीन दिलाएंगे जब, तो जब थोड़ा बेंच को पकड़ के चिपका के बैठ जाओगे, बात करते करते उसको मारने लग जाओगे, कहां से समझाएंगे आपको? बिना सुने मार रहे हो आप। अभी बात स्टार्ट हुई नहीं है, कैमरा स्टार्ट हुआ नहीं, खड़े होके मारने लग रहे हो उसको।
दिमाग से थोड़े पैदल हो क्या? नहीं भैया, इलाज करवाना है ना तो कोई बीमारी नहीं, अपने दिमाग का इलाज कराओ थोड़ा। भैया मैं भी अगर मेरे को जब असलियत दिखेगी तो मैं भी जानूंगी ना। असलियत दिखेगी तब भी आप कुछ करोगे नहीं। मेरी बेटी ऐसी, मेरी बेटी वैसी, दूध की धुली हुई आपकी बेटी। मेरी बेटी बकवास कर रहे हो यहाँ पे बैठ के, रुक जाओ। क्या बात हुई है पूरी बता भाई। जो इनकी बेटी है वो मेरी गर्लफ्रेंड है, दो साल से हम। और इसके बात करने का तरीका ऐसे देखो, सीधा साधा बंदा है। और लड़की का तो मेरे को लग रहा है बिजनेस यही है, क्योंकि उसकी माँ इतनी तेज है तो बेटी कितनी तेज होगी। बिना बात जब मार सकती है तो उसकी बेटी बिना बात पैसे भी ले सकती है। सादा सुधा लड़का देखा, इधर उधर की बातें कर ली, इसमें फंसा देंगे उसमें फंसा देंगे, पैसे ले लो। क्या बात हुई एक बारी पूरी बताइए बिना डरे। दो साल से साथ है भाई वो मेरे साथ। अच्छा ठीक है, अब दो साल से साथ है भाई तो फिर हर चीज हुई होगी। और फिर ये है कि जब भी कुछ बात होती थी घर में तो वो मेरे से हेल्प मांगती थी, कभी इतने पैसे दे दो, उतने दे दो, इतने दे दो, उतने दे दो। अब मैं दे नहीं पाया उसे भाई। अच्छा, मेरे से कह रही थी मेरी माँ हॉस्पिटल में आईसीयू में, तो उसने मांगे थोड़े बहुत पैसे। तो अब मेरी भाई जॉब वॉब भी छुट्टी पड़ी है अभी, तो उसने पैसे वैसे मांगे तो मैंने मना कर दिया। तो तुम्हें कैसे पता लगा कि इनकी मम्मी ठीक है? अब मैं फिर थोड़े पूरे पैसे तो दे नहीं पाया, तो थोड़े बहुत पैसे देने गया मैं, तो मम्मी इनकी सीढ़ियों पे चढ़ रही थी। अच्छा, तो मैंने वही देखा, अपने घर पे चढ़ रही थी। तो तब आपने इनसे बात करके नंबर लिया था आपने के, तब आपने इनको ये नहीं बोला कि आपकी बेटी ने ये सब क्या बोला है? नहीं तब नहीं बोला, तब नहीं बोला। ये एक बात बताओ, आप जिंदा यहाँ पे बैठे हुए हो, खुद सांस ले रहे हो, हाथ चल रहे हैं, भगवान की दया से इस दिमाग को छोड़ के ना आप में कोई कमी नहीं है। दिमाग से आपका दिमाग मेरे को खराब लग रहा है। तो आपकी बेटी ऐसे क्यों कह रही है कि मेरी मम्मी हॉस्पिटल में, मुझे पैसे चाहिए, नहीं तो मेरी मम्मी को कुछ हो जाएगा? भैया देखो, मेरे को अपनी बेटी पे पूरा विश्वास था तभी मैं बोल रही हूँ। अब आपने मेरे, हर माँ को अपनी बेटी पे विश्वास होता है, लेकिन इतना अंधा विश्वास मत करो कि आपकी बेटी आपको जिंदा 40-50 हज़ार रुपए के लिए मार दे। 75 हज़ार रुपए दे के बैठा हुआ है अभी तक आपकी दवाइयों की। कौन सी दवाइयाँ खाते हो ऐसी? मैं तो कुछ भी नहीं खाती, कुछ भी नहीं। वही आपने बात बताई है मेरी बेटी को। मैं तो जब मैं स्टार्टिंग से बता रहा था, जब सुनने के लिए कान तैयार नहीं हो रहे थे आपके, पहले इसको थप्पड़ मारने लग रहे हो। इसीलिए आपकी बेटी इसको पागल बना के पैसे ले रही है, आप इसको पागल समझ के इसको थप्पड़ मार रहे हो ना। तो किराए पे ले, किराए पे लेके आओगे आप लोग? नहीं, मैं क्यों लेके आऊंगी किराए? रेंट भरते हो इसका महीने का? कोई मार रहा है, कोई ब्लैकमेल कर रहा है, कोई काम करवा रहा है? भाई मैं क्यों भरूंगी? मेरे को यकीन नहीं था, क्योंकि इन्होंने मेरे से नंबर मांगा, मैंने दे दिया। इन्होंने आपका इसको ना कोई शौक नहीं था आपको, इसने नंबर मांग के आपके साथ कोई सेटिंग तो नहीं करी ना? आपको सच दिखाने के लिए यहाँ पे बुलाया, अपने से बड़ी उम्र की, अपने से बड़ी उम्र की आंटियों के साथ गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला सीन नहीं करेगा ये? आपको सच्चाई दिखाने के लिए यहाँ पे बुला रखा है। और यहाँ पे बुलाने से पहले पता है मैडम क्या कह रही है कि मैं नहीं आऊंगी, मेरे पास बहुत काम होते हैं। और ये जो बेटी का नाम वाम ले रहे हो ना, तो इनको इतना बड़ा मतलब इतना सर में ना, मतलब इतना मुश्किल से इनको यहाँ पे हमने बुलाया ना, हम आपको बता नहीं सकते। और यहाँ पे आने के मैडम ने कन्वेंस के 10 गुना ज्यादा ले रखे हमसे कि यहाँ से मेरा अगर यहाँ है, यहाँ तक आऊंगी तो मेरे पैसे लगेंगे। आई मैडम DTDC मेट्रो अपना बस से और पैसे लिए कैब के। इतना दिमाग मत चलाया करो अपना, और अपनी बेटी का भी हाल देख लेना कैसी है और कैसी नहीं है। और वीडियो जो मैं आपको कह रहा हूँ ना, फ़ोन में पड़ी हुई है, वो दिखा नहीं सकता इनको अभी, इससे भी मैं डिलीट कराऊंगा। पहले लड़की को आने दो। कब तक आएगी वो लड़की? वो आने वाली है थोड़ी बहुत देर में, मेरे से कह रही थी कि आऊँगी। अच्छा, आधे एक घंटे में। आप खड़े हो जाओ यहाँ से, जब तक बुलाऊ ना, जब तक आना मत हो। जब बुलाऊ ना तो अपना दिमाग और कान खोल के आना, देखना कि आपकी बेटी क्या काम कर रही है और कैसे काम कर रही है। और उसके बाद भी गलती देखने के बाद भी लड़की को कुछ ना कर पाए ना, तो एक काम करना, घर पे मग पड़े होंगे ना छोटे छोटे, उनमें पानी डाल के ना डूब के मर जाना फिर सही में, जब अपनी बेटी को भी कुछ नहीं बोल पाओगे तो। बेटी नहीं हुई, पता नहीं क्या हो गई, दूध की धुली है बेटी। मेरी बेटी ये नहीं कर सकती, मेरी बेटी वो नहीं कर सकती। जब तेरे को पता है तेरी गर्लफ्रेंड तेरे से चूतिया बना के तेरे से पैसे ले रही है, तो तेरे को कौन सा शौक पड़ा उसको पैसे देने का भाई? ना तेरे पास इतने फालतू के पैसे पड़े हैं? अपनी माँ का ध्यान रखता है? माँ के लिए दवाई लेके गया कभी घर पे? माँ के लिए नहीं लेके गया। तो दूसरी की माँ की सेवा कर, अपनी माँ तो जैसी तैसी पड़ी हुई है नालों के पास में, शर्म आती है थोड़ी? भाई मेरे को ये नहीं पता था ना। अरे तो नहीं पता था, आप पता लगा, आप भी उसके चक्कर में पड़ा हुआ है। जब तू देख रहा है उसकी माँ उसके घर पे जा रही है, तब भी तू उसको 10 हज़ार रुपए दे के आया था, तब तो वो 10 हज़ार रुपए रोक के अपनी माँ को दे देता। और तेरी माँ ना तेरे ऊपर ही खर्चती, ना कि किसी और की माँ लड़की को जाके दे के आती। अपनी माँ का ध्यान नहीं रखना, दुनिया की सारी माओं का ध्यान रखना है। क्यों? गर्लफ्रेंड है ना, गर्लफ्रेंड नाराज हो जाएगी, बात नहीं करेगी। अब लड़की आएगी भाई थोड़ी देर तक यहाँ पे, जैसे भी आती है वीडियो को कंटिन्यू करेंगे। वीडियो को देखना एंड तक, चैनल पे नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब करके जाना भाई, फ्री का बटन है दबा दो।
ठीक है, इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करा तो यहाँ पे नाम आ रहा होगा, जाके अभी फॉलो कर देना। हम आपको मिलते हैं वीडियो के एंड। हाय, हेलो, कैसे हो? ठीक हूँ मैं, आप बताओ कैसे हो? मैं ठीक हूँ, बस ये बताओ कि मैंने तुम्हें बोला था ना मम्मी हॉस्पिटल में, तो कुछ हुआ? यार आपने जो पैसों के लिए बोला था, अभी तो मेरे से पूरे पैसे हुए नहीं। तो कितने थोड़े हुए? बहुत हुए। पूरे नहीं हुए तो कितने हैं? 20,000 के करीब है। और 20,000 और? तो वो हुए नहीं ना मेरे से अभी, फिर मेरी अभी जॉब भी छूटी पड़ी है, मैं क्या करूँ यार, कहाँ से करूँ? ऐसा मत बोलो, तुमने कहा था मुझे कि मैं कर दूंगा, भाई से पापा से लेके। नहीं, अब घर में भी थोड़ी प्रॉब्लम्स चल रही है, तो मैं कैसे करूँ? कैसे करूँ? तुमने कहा था मैं मैनेज कर लूँगा सब कुछ। अब मम्मी आईसीयू में, तो मैं मालूम है ऑपरेशन का टाइम है। तो मेरे को पता है यार, जब मेरी जॉब ही छूटी पड़ी है, मैंने हर जगह हाथ फैला लिए, पैर फैला लिए। ऐसे मत कहो ना, तुम भी ऐसे कहोगे तो क्या चलेगा यार? जब जब मेरे पे हुए मैंने तब तब तो आपको दिया यार। अब मैं जानती तुमने दिए, पर अब तो करना ही है ना, मम्मी का ऑपरेशन है, मम्मी आईसीयू में है। ठीक है, अब मैं क्या करूँ, कहाँ से दूँ फिर ये बताओ? तुमने कहा था मैं कहीं से अरेंज कर दूंगा। नहीं, अरेंज तो कर दूंगा, मैंने आपके लिए पहले भी बहुत कर्जा ले रखा, मैं कहाँ से करूँ कर्जा ले रखा? ये तुमने मुझे कभी नहीं बताया। तुम अब मेरे को ये बात नहीं बोल सकते हो ना, तुमने कहा था कि नहीं मैं तुम्हारा साथ दूंगा, तुम्हें पता है मैं घर में रहती हूँ, तुम जानते हो ना मैं घर में रहती हूँ। आप तो घर में, मम्मी का देखना है मुझे। जॉब लगी पड़ी थी, मैं तब भी तो देता था आपको पैसे। अब हाँ, मैं एकदम से मैं कैसे कर दूँ? तो अभी तो मम्मी को, मम्मी का देखना है ना, तुम जानते हो, तुम समझते हो सारी बातें। मम्मी का देखना है, तुम थोड़ा तो सोचो। मम्मी आईसीयू में ऑपरेशन होना, उनको देने हैं, इतना तो थोड़ा सा सोचो यार, कहीं से कुछ 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 तो करो। तुमने कहा था फ्रेंड से कर दूंगा मैं, आपको बेच दूंगा, अब ये बताओ। अब मुझे नहीं मालूम, मैं ये तो बात कर ली, अब नहीं हो पा रही। ऐसे मत बोलो प्यार, समझो तुम, कर दो। मैं इतना तो समझता हूँ, आप फिर भी कह रहे हो समझो, अब मैं कैसे करूँ? तो अब मम्मी का मैं कैसे करूँ बताओ? तुम्हारी मम्मी नहीं है क्या वो? तुम कहते नहीं हो कि हमारी मम्मी है? अब मम्मी हॉस्पिटल में पड़ी, आईसीयू में, तो आप ऐसे? यार फिर वही बात, अब मैं कहाँ से करूँ इतना, ये तो बताओ कुछ मेरे को। इतना थोड़ी ना, तुमने कहा था मैं कर लूंगा, तुम टेंशन मत लो, मैं कर सकता हूँ, तुम इतना मत वो सोचो, मैं हूँ साथ में। अब तुम ऐसे कह रहे हो, तुम एट अ टाइम पे मुझे मना कर रहे हो, ऐसा थोड़ी ना होता है यार। अब मैं क्या करूँ फिर ये बताओ ना। पापा को फोन लगाओ, पापा से मांगो, दोस्त से मांगो, अपने भाई से बोलो, वो देंगे। वो बात तो करो, किसी से बात कर ली, मैं कैसे? तुम झूठ बोल रहे हो यार, बात तो करो एक बारी। अगर मेरे को झूठ बोलना होता तो मैं पहले ही नहीं बोल देता झूठ। ऐसा थोड़ी ना है, तुम अभी इस टाइम मेरे से झूठ बोलो। तुम करो, मम्मी को देने हैं, अरे उनका ऑपरेशन होना है यार, वो आईसीयू में। तुम समझो, क्यों नहीं समझ रहे हो? कौन सा आईसीयू में, कौन सा हॉस्पिटल में, बताओ। सिटी हॉस्पिटल में बताया था मैंने, फोटो भी भेजी थी तुम्हें, तुमने तो देखा तो था। हॉस्पिटल की फोटो भेजी थी वो मेरे को, वो करके मम्मी के साथ थोड़ी भेजी थी। तो भेजी तो थी फोटो, तुमने देखा था ना। तो मम्मी के साथ थोड़ी भेजी थी आपने फोटो, की मम्मी लेटी पड़ी है। मैंने फोटो भेजी थी तुम्हें, ठीक है? तुम ऐसा नहीं कर सकते मेरे साथ में ना, तुम जाओ लेकर आओ, मुझे नहीं पता, कहीं से भी लेकर आओ, तुम पैसे लेकर आओ। यार मेरे पे नहीं है पैसे वैसे, तुम जाओ लेकर आओ। तुम झूठ बोल रहे हो, मत दो पहले, पहले जाओ लेकर आओ। मैं कहां से लाऊं पैसे? ऐसे मत करो मेरे साथ में, तुम कहां थे यार? अरे गिरबान से हाथ हटाओ यार पहले, गिरबान। तुम मुझे धक्का दे रहे हो, धक्का दे रहे हो, तुम मुझे धक्का दे रहे हो, मेरे ऊपर गिरबान पे हाथ डालोगे क्या? तुम मुझे धक्का दोगे? नहीं है मेरे पे कोई पैसे वैसे। क्यों नहीं है पैसे? तुमने कहा था मैं लाके दूंगा, क्यों नहीं लाके दे रहे आप? जब है ही नहीं तो कहाँ से लाके दू? अपने दोस्त से जाके लाओ, पापा से मांगो, कैसे भी मांगो, मुझे नहीं पता, लाके दो पैसे। नहीं है मेरे पे कोई पैसे। क्यों नहीं है? नहीं है, कहीं से भी जाके जाओ, धक्का मत दो मेरे को पहले। तो तुम्हारे अंदर जब हिम्मत ही नहीं थी गर्लफ्रेंड रखने की, तो क्यों रखी? तुम्हारे अंदर दम ही नहीं था गर्लफ्रेंड रखने का। चिल्लाओ बिल्लाओ मत पहले तो यहाँ, ठीक है ना? क्या चिल्ला रही है? मैं उतार दूंगा दो मिनट में। क्या उतार दोगे तुम? क्या उतार दोगे? नहीं है मेरे पे कोई पैसे वैसे, मैं नहीं दे रहा। अरे जब गरीब हो तो तुम कहाँ से मेरे को पाला दो? हाँ? तुम्हें इतने टाइम से मैं पैसे दे रहा था, वो पैसे कहाँ है सारे? जब नहीं बोला तुमने? कौन से पैसे? कैसे पैसे? तुमने अभी बोला था देने के लिए, ठीक है ना, मम्मी का ऑपरेशन के लिए, और तुम अब मना कर रहे हो देने के लिए? नहीं है मेरे पे कोई पैसे। जाओ लेकर आओ। नहीं है। जाओ लेकर आओ पैसे। मैं कहाँ से ले आऊं? नहीं है मेरे पे कोई पैसे। हाथ हटाओ पहले। तुम ना यहाँ से जाओ लेकर आओ। नहीं है मेरे पे कोई पैसे। जाओ लेकर आओ पैसे, पहले जाओ लेकर आओ। है ही नहीं जब, कहाँ से? क्यों नहीं है? नहीं है। तुमने कहा था मुझे, मैं ला के दूंगा तुम्हें। मैं खुद तुम्हें पाल दे, बाप से लेकर आ, कहीं से भी लेकर आ, मुझे नहीं पता पैसे लेकर आ। मैं नहीं ला रहा पैसे। देने हैं। नहीं है मेरे पे, मैं क्यों लाऊं? कहां से ले आऊं?
कहाँ से ले आऊंगा, क्या मतलब है? हाँ कहाँ से नहीं है मेरे पे, नहीं है। तो ये प्यार से बोला ना, नहीं समझ में आ रही, नहीं आ रहा समझ, जा लेकर कहीं नहीं से ला रहा मैं। तुमने मेरा हाथ कैसे मोड़ा, कैसे मेरा हाथ? तो तुम कुछ भी कर सकते हो क्या? मैं क्या कर सकता? हाँ मैं कर सकती हूँ कुछ भी। तुम पैसे लेकर आ रहे हो कि नहीं लेकर आ रहे? नहीं ला रहा मैं। क्यों नहीं लेकर आ रहे? जब है नहीं तो पैसे लिया हूँ मैं। भगवान कहीं से भी जाके लेकर लेकर आ, मुझे नहीं पता, कहीं से भी पैसे लेकर आ, ठीक है ना? कहीं से भी लेकर आ, समझ में नहीं आ रही क्या तुझे? नहीं आ रही समझ। चलाओ, मैंने मार दिया ना। क्या मार दिया? कौन मार देगा? तू मार देगा? हाँ मैं मार दूंगा। अरे पहले ही बोल देता, जब तेरे अंदर हिम्मत नहीं थी तो बॉयफ्रेंड बनने की, मैं कोई और तो पटा लेती। बहुत है लड़के अमीर, तेरे जैसे गरीब तो नहीं है ना कम से कम। कुछ नहीं करा है, ठीक है ना? कुछ किया होता ना तब बात होती। बहुत कुछ कर रखा है। कुछ नहीं कर रखा, अब तो सब भूल ही जाओगे। क्या भूल जाऊंगी? जब कुछ कर ही नहीं रखा तो क्या भूल जाऊंगी मैं? कुछ किया होता ना तब बात होती, ठीक है ना? अब करने की बारी है तो कर रहा है। जब गर्लफ्रेंड रखने की औकात नहीं होती तो मदर बनाया कर, ठीक है ना? तुम मेरी लड़की है, ये ऐसी होती है लड़की? क्या कर रही है? मेरे को मरवाने के लिए कर रही है? ये मेरी मम्मी आईसीयू में है, समझ रहे हो? आईसीयू में है। और क्या क्या कह रही थी? आईसीयू में मेरी मम्मी मरने वाली है, मुझे पैसे दे दो। तेरे जैसी लड़की ऐसी लड़की तो होने नहीं चाहिए। मम्मी तू तो घर से बाहर नहीं निकलती थी, और ये मेरे को कह रहा था, मैंने इसके ऊपर यकीन नहीं करा। मैंने कहा नहीं मेरी लड़की अच्छी है, मेरी लड़की कहीं बाहर नहीं जाती। मेरे साथ मारपीट कर रही है। यकीन नहीं करा मम्मी, वो झूठ बोल, तू क्या कर रही है? तू ऐसे गुल खिला रही है मम्मी के साथ, बॉयफ्रेंड बना के घूम रही है। यही मेरे को बोलता था, मैंने इसके ऊपर विश्वास नहीं करा मम्मी। सब कुछ किया मैंने, कहा नहीं मेरी लड़की ऐसी नहीं है, ऐसी नहीं है। चुप रहो, तुम क्या चुप रहो? चुप रहा है ये, क्या चुप रहे? ये क्या चुप रहे? तूने मेरे को धोखा दिया, इसने धोखा नहीं दिया, इसने तो मेरे साथ, ऐसी लड़की तो बिल्कुल बेकार लड़की होती है, बिल्कुल मर जाना ही अच्छा होता है। इस लड़की को मर जाना ही अच्छा होता है। ऐसी लड़की किसी के भी नाम तो लड़की है। बोलती थी कि आप बीमार हो, बीमार हो। मेरी ऐसे तो जिंदगी खराब हो गई। मम्मी ऐसा मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा तूने, मुझे किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा। मैंने तेरे ऊपर विश्वास किया था, इसको ये मेरे को बोलता रहा कि मेरी लड़की है। तुम जब रहो मेरी मां बोल रही है ना, क्या चुप रहो? क्या चुप रहो? क्या चुप रहे? क्या चुप रही है? क्या चुप रहे? मर जाना ही अच्छा है मेरा, तो मेरा जीना क्या है? तो मैं क्या रहूंगी मैं? तुम हाथ क्यों लगा रही हो? जोड़ा कहीं का नहीं जोड़ा। मम्मी मम्मी मेरे को क्या? मम्मी सुनो, बता बता क्या? अब मेरे को रोके क्या सुवारी है? मेरी कितने पैसे ले गए इससे? कहाँ गए वो पैसे? कहाँ है? मेरे को पता लगे पैसे कहाँ छोड़े तूने? इससे इतना पैसा ले जाके कहाँ खत्म किया है? तो घर से बाहर नहीं निकलती। आंटी आप तो आईसीयू में थे ना, मरने वाले थे ना आप तो? हाँ आंटी आप जिंदा हो क्या? और क्या था आपके सामने खड़ी? आपकी बेटी ने तो आपको मार दिया था, ये तो मरने वाली थी ना। तेरी माँ है ना ये? जुल्फे हटा के बात कर। ओए इधर आ, कौन है ये तेरी मम्मी? कौन है मम्मी? तो मरने वाली थी ना, यहाँ पे क्या कर रही है? इसने ऐसे आप खुद सांस ले रहे हो, दिखाना एक बार इधर इधर। अरे सांस ले रही, तेरी माँ तो मरने वाली थी ना। कौन सी हॉस्पिटल में तेरी माँ? कौन सी हॉस्पिटल में? कौन सी हॉस्पिटल में? नहीं बोल ले। नहीं है। कौन सी हॉस्पिटल में तेरी माँ? नहीं। आईसीयू में कौन है? इधर आ, नीचे करेगी ना, थप्पड़ मारूंगा। इधर आ, कहाँ तेरी माँ? तूने मुझे नहीं पता। तेरी माँ? और ये कौन है? तू तो घर से बाहर चीज तक नहीं लेने जाती थी। ये कौन है? बॉयफ्रेंड है। बॉयफ्रेंड है ये? बॉयफ्रेंड है लीजिए। लो जी, आप तो कह रहे थे मेरी बेटी का कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। भैया मैंने ये कौन से मेरी लड़की है? कौन से हो? चाहिए ही नहीं मुझे। मेरी बेटी तू की बनी हुई है? मेरी बेटी ये नहीं कर सकती। मेरी बेटी कौन नहीं कर सकती? लेकिन अब प्यार है क्या? ऐसी लड़की मुझे नहीं चाहिए, नहीं चाहिए मुझे ऐसी लड़की। है अपनी माँ को पैसों के लिए मार दिया, अपनी माँ को 50,000 रुपए के लिए मार दिया, आईसीयू में भिजवा दिया। अरे नालायक है क्या? सारी बातें नालायक है क्या? ओ नालायक है क्या? पकड़ के मार के इधर आ। नालायक, नालायक है क्या? क्या है तू?
क्या है, आवाज क्यों नहीं निकल रही? पैसे किस चीज के मांग रही थी तेरे से? मम्मी बीमार है मेरी। क्या कह रही थी? मम्मी बीमार है मेरी, आईसीयू में पड़ी है। मम्मी तो पीछे खड़ी है, पैसे क्यों मांग रही थी? क्या करने थे तेरे को पैसे? इससे पूछो पैसे कहां क्या करती है। क्या करने थे मेरे को बता रही है? नहीं बता रही। हाथ मत लगा मेरे, हाथ निकाल के ना तेरे इधर उधर कर दूंगा मैं। तो तुम भी ऐसे हाथ लगा रहे हो मुझे। मां तेरी, मां कहां है तेरी? तुम हो कौन पहले ये बता। ये उंगल देख रही है ना, नाक में डाल दूंगा, सांस लेनी मुश्किल हो जाएगी तेरी। तो तुम हो कौन? कर रही है तेरी माँ ने बुला रखा है मेरे को यहाँ पे, बकवास कर रही है, बात कर रही है ढंग से। तो साड़ी को थप्पड़ मार मार के ना यहाँ पे। लेकिन मेरे को यकीन नहीं था तुम मोड़ो। मम्मी ने हेल्प ली है। एक बात बता, कौन सी मम्मी? तो किसी की भी बात सुन। चुप हो जाओ, समझा रहा हूँ ना तेरे को। अब तो मार दे आदमी किसी की बात। एक बात बता, कौन अपनी माँ को पैसों के लिए मारता है? कौन सी बेटी अपने माँ को पैसों के लिए मारती है? कैसे उसको पकड़ रखा है? यूं कह रही है कि मेरी माँ आईसीयू में मरने वाली है, तेरी माँ तो यहाँ पे जिंदा खड़ी है। कितनी बार झूठ झूठ बोल के पैसे दिए भाई मैंने। बात करो पैसे कहाँ करने दे दिए? रोना धोना घर पे जाके दिखाना अपना। मुझे बता पैसे कहाँ है पैसे? कहाँ लगाई है पैसों की? उससे इतना पैसा ले जाके कहाँ फेंका है? खर्च करे। तू तो घर से बाहर भी नहीं जाती थी। पार्टी वगैरह में खर्च। पार्टी में कब जा गई है तू? कब गई है? क्लासेस के बहाने। क्लासेस के बाद? क्लासेस, अच्छा, जब तू कहती थी कि मैं आज कहती आज लेट गया, आज एक्स्ट्रा क्लास चल रही है, तो इसका मतलब तू पार्टी करने जाती है? बॉयफ्रेंड के साथ चलती है क्लबों में। आप तो यहाँ पे दूसरे के बेटे को यूं कर रहे हो, यूं थप्पड़ मार रहे हो, फ्री का है क्या? मैंने उसके ऊपर, उसने मेरे को बोला, मेरे को यकीन नहीं हुआ कि मेरी बेटी ऐसी नहीं है। कहाँ से आपको सती सावित्री लग रही है? इधर तो आ, हाथ तो दिखा। बोल बोल के जा रहा है उससे कितना पैसा लेके बर्बाद कर रहा है। ये क्या से लिए? ये आपने लेके दिए? किस तूने लेके दिए? तूने लेके दिए? ये कैसे उतरती है ये? कितने की भाई, कितने की लेके दिए? कितने की है ये? कितने के लेके? 40,000 रुपए की है ये। कौन सी कंपनी है भाई ये? सुपर कंपनी की वॉच पहन रही है और अपनी माँ को हॉस्पिटल में बोल रखा है कि आईसीयू में मेरी माँ मरने वाली है। इसने मेरे से ना दूर हो जा, दूर, मेरे को अपनी शक्ल मत दिखाइयो। आईसीयू में जाओगे ना तो ये वाली डॉक्टरों को देख के अपना इलाज कराना। लो आईसीयू में तो यही जाएगी अब, मैं नहीं जाऊंगी जो मेरे ऊपर इल्जाम लगा रही है। अपनी माँ के ऊपर कोई ऐसे इल्जाम लगाता है ना तू लगाया है? क्या मम्मी, झूठ बोल बोल के? माफ कर दो। माफी? मैं तो माफ तेरे को बिल्कुल नहीं करूंगी। मेरे लिए आज से तुम मर गई। मम्मी मर गई मेरे लिए। नहीं चाहिए मुझे ऐसी लड़की। जीते जी मर गई बस। मम्मी माफ कर दो। अपनी माँ को ऐसे धोखा नहीं देता जो जैसे तूने दिया है। धोखा थोड़ी ना दिया आपको, तो जी जीते जी मार दिया इसने। मम्मी माफ कर दो। क्या मम्मी? मम्मी अब आज सुबह आने से कुछ नहीं होएगा। ये तो आईसीयू में ना तेरी माँ का है अभी। इधर इधर का है तेरी माँ? कौन से दोस्तों के ऊपर उड़ाए? बोल रही है, बोल रही थोड़ी, बोल नहीं तो फोड़ दूंगा तेरे को बीच में से। कहा है बाल पीछे? नहीं तो कैंची मंगवा के ना बाल काट दूंगा तेरे। कहा करे पैसे? तेरे बाप के पैसे थे वो? नहीं। तेरी माँ ने दिए तेरे को पैसे? सॉरी पकड़ो जी, अब एक बारी दोबारा आपको आईसीयू में भेज देगी। मुझे नहीं चाहिए, रखेगी आईसीयू में। मुझे चाहिए ही नहीं, मेरे लिए मर गई आज से ये। बस जहाँ मर्जी अपनी आईसीयू जो बनानी है ना तुम्हें, क्लबों में जाना है जा, जाना वहाँ जा। दो साल से बॉयफ्रेंड है ना तेरा, फायदा प्यार करती थी इससे, चूतिया बना रही थी। इसको रखोगे तुम गर्लफ्रेंड बनाओगे अपनी? मैं तो बनाओगे अब देख लिया, जब वो मेरी नहीं हुई, मेरी अपनी माँ की नहीं हुई तो तुम्हारी क्या होगी ये बताओ। इधर आ जाओ, इधर आ, इधर देख, इधर 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 देख, आंखों में देख, इधर। बॉयफ्रेंड बनाया था, प्यार करती थी इससे या चूतिया बनाने के लिए रखा था? आवाज नहीं आ रही मेरे को, मैं को ना आवाज नहीं आ रही। क्यों रखा था? प्यार करती थी बॉयफ्रेंड से या चूतिया बनाती थी? चूतिया बनाती थी और क्या करती थी? प्यार करती थी बॉयफ्रेंड से या चूतिया बनाती थी? पागल बना, प्यार करती थी या चूतिया बनाती थी? मेरे को इसका जवाब दे जल्दी। पागल बना रही थी। प्यार करती थी या चूतिया? ज्यादा बन मत, क्या बनाती थी? बोल रही नहीं बोल रही?
प्यार करती थी, चूतिया बनाती थी, माँ का हाथ मत पकड़, माँ भी तेरी थप्पड़ खाएगी यहाँ पे मेरे से। पागल बना रही थी चूतिया या प्यार? कैसे तुम अपनी माँ के लिए माँ के नाम पे आईसीयू में पैसे मांगते हो, वहाँ पे तुम्हारा चूतिया कट रहा है, देख लो। ये वो लड़की है जो अपनी माँ को, जिंदा माँ को आईसीयू में भेज के अपने बॉयफ्रेंड से पैसे ले रही है, जिस बॉयफ्रेंड से प्यार नहीं करती, सिर्फ पागल बनाने के लिए, चूतिया बनाने के लिए अपने बॉयफ्रेंड को रखा है, क्योंकि इसको पैसे चाहिए। रोले सब दिख रहा है कैमरे में, तेरी सारी शक्ल दिख गई, मासूमियत की सारी। और ये माँ है जो पहले कह रही है मेरी दूध की दुली हुई बेटी का ना बॉयफ्रेंड हो सकता है, ना पार्टियों में जा सकती है, ना कुछ। 75,000 रुपए की मैडम ने क्लबों में पार्टी करी है, पैसे इसके कहाँ से लाया भाई? पैसे भाई जॉब करता था। और उसके अलावा जो कह रहा था मैंने कि वहाँ से ब्याज पे लिए, ब्याज कौन भरेगा उनका? नहीं, ये भरेगी है, ये भरेगा, बाप का नौकर है क्या इनके? ले इनसे पैसे, इधर दो, पकड़िए। माँ को कभी दिलाइए 10 रुपए की, 10 रुपए का धागा दिलाया अपनी माँ को? नहीं भाई, 40,000 रुपए की घड़ी दिलवा रहा है। और मैडम रोना धोना ना थोड़ा कम कर लो, मेरे को तो तुम दोनों का मिला हुआ बिजनेस लग रहा है। नहीं भैया मेरा नहीं है, आपके सामने मुझे बोला है कि मैं क्लब में थोड़ी थप्पड़ मार मार के ऐसी तैसी करो, मेरे को चाहिए ही नहीं भैया ऐसी लड़की जो इतना गलत बोले, झूठ बोले, जो बोल रही है कि हाँ मैंने क्लब, क्या कहते हैं, मम्मी आगे से नहीं होगा ऐसा, करने लायक ही नहीं बचेगी मम्मी, नहीं होगा आगे से ऐसा। इधर आना, डर क्यों रही है, क्यों डर रही है, गलत काम करा है कोई? इधर गलत काम तो नहीं करा ना, अपनी मम्मी को ही तो सिर्फ मारा है ना तूने। इधर यूं खड़ी हो, वहाँ शक्ल दिखा, बोल मैंने बोल मैंने अपनी माँ को 40-50 हज़ार रुपए के लिए आईसीयू में भेजा, बोल। एक, तीन तक गिनूंगा ना, बोली ना थप्पड़ आएगा। एक, मैंने अपनी मम्मी को 40-50 हज़ार के लिए आईसीयू में भेजा था, क्योंकि मैं लालची थी, मेरे को पार्टियां करनी थी। शर्म कर ले, शर्म कर, साड़ी रखना आपको इसको घर पे? नहीं मेरे को नहीं चाहिए भैया ऐसी लड़की, नहीं चाहिए। खड़े क्यों, फिर जाओ, जो रखना है तो खड़े रहो, नहीं रखना तो चले जाओ यहाँ से, साड़ी को पता लगे कौन इसके साथ है और कौन नहीं। जा अपनी माँ के पीछे, मिल रही है माँ तेरी, रखोगे इसको आंटी, रखोगे तो उसको बोलना मेरे पीछे मत आ, मेरे पीछे आने की जरूरत नहीं है, मेरे को नहीं चाहिए ऐसी लड़की, मम्मी मेरे लिए मर गई तू आज से, मेरे को नहीं चाहिए। जहाँ तू पार्टियां बनाती थी वहीं जा, जिनके साथ पार्टियां बनाती थी ना वहीं जा, वहीं तेरे को रखेंगे, रखेगी तेरी माँ तेरे को, माँ के लिए तो जीती थी मर गई। मम्मी 40,000 रुपए के लिए क्या करेगी, बड़े अच्छे काम करे तूने अपनी माँ के लिए। ये रोना धोना पहले दिखाती ना अपनी माँ को, पहले नहीं मारती अपनी माँ को, अब माँ जा रही है तो क्या दिक्कत आ रही है तेरे को, हैं? आज भी पैसे लेके तेरे को क्लब जाना था ना पार्टी करने के लिए, तभी ये कपड़े पहन के आई है ना, सच बता। ओ ज्यादा रोना धोना मत दिखा, माँ तेरी चली गई अभी, यहाँ पे नहीं देख रही तेरे झूठे आंसू, नहीं देख रही तेरे को। अगर सच में माँ से प्यार होता ना तो ये वाली हरकतें नहीं करती तू, खड़ी हो, तेरे को पैसे लेके आज क्लब जाना था ना, तो पैसे लेके क्लब जाना था ना तेरे को, सड़ी बाल ना पीछे कर ले अपने, क्लब जाना था ना तेरे को, उस पैसों से कैसे मजा आता है खाने में, जो अपनी माँ को आईसीयू भिजवा के ले रही है, खाया जाता है अंदर, पिया जाता है, ऐसे पैसों से कैसे खाती है पीती है जो अपने माँ की आईसीयू के नाम पे ले रही है, खाया जाता है, जिन पैसों का खाया उल्टी भी नहीं आ रही, आ रही उल्टी, कितनी बेशरम है तू, अपनी ना शक्ल, रुक एक मिनट, अपनी शक्ल इसमें देख, तू अपनी माँ को आईसीयू में, अपनी माँ को झूठे आईसीयू के केस में तू ऐसे वैसे कर रही है, अपनी माँ को यूं कह रही है आईसीयू में मरने वाली है, उसके बाद तू क्या कर रही है, इधर अपनी शक्ल देखना, शक्ल दिखा, इधर इधर मोड़, मुड़ रही है नहीं मुड़ रही, इधर 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 क्या बोल रही थी, मेरी माँ आईसीयू में, मुझे पैसे दो, तेरी माँ बिल्कुल जिंदा है, बॉयफ्रेंड से चूतिया बना के पैसे ले रही थी ना, इधर कितनी कितनी शक्ल छुपाएगी, कितनी शक्ल छुपाएगी, वो देख कितनी दूर कैमरा लगा पड़ा है, देख कितनों से झूठ बोलेगी, माँ छोड़ के चली गई ना तेरे को, छोड़ के चली गई ना माँ,
अब तू भी जाएगी यहाँ से, जा मेरे को समझ नहीं आता 60-70-80 हज़ार रुपए लिए हैं अपने बॉयफ्रेंड से, उन्हीं पैसों की पार्टी कर रही है, मतलब माँ के नाम पे लिए आईसीयू में, उन पैसों से खाया पिया कैसे और पार्टी कैसे करी है, मेरे को ये समझ नहीं आ रहा। या तो उसमें दिल नहीं है, या तो माँ के लिए उसमें प्यार बिल्कुल नहीं है, या तो उसको फ़र्क नहीं पड़ता दुनिया से, अपने साथ सिर्फ अपने साथ ही फ़र्क है। अब माँ भी चली गई, बॉयफ्रेंड भी चला गया और लड़की भी चली गई, मैं यहीं पर हूँ। क्योंकि हम तो पागल हैं भाई, हम तो लोगों की मदद करने के लिए आते हैं, लोग चले जाते हैं, हम यहीं के यहीं रह जाते हैं। तो भाई अगर चैनल पे नए हो तो भाई प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, बिल्कुल फ्री है, जैसे मैं हूँ ना फ्री, यहाँ पे खड़ा हूँ कोई नहीं है, वैसे फ्री है, तो सब्सक्राइब कर देना। बाकी मैं आपको मिलता हूँ किसी और दिन किसी और बढ़िया वीडियो के साथ, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।